हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं पंकज गोयल की किताब बिफोर यू स्टार्टअप के बारे में बात करने वाला हूँ। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहा है। इसमें आइडियाज से लेकर धन उगाने से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ शामिल है, और यह अनुभवी उद्यमियों से व्यवहारिक सलाह और अंतर्दृष्टि से भरा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इस पुस्तक का एक संक्षिप्त ओवरव्यू देने जा रहा हूँ और कुछ महत्वपूर्ण बातों को साझा करने जा रहा हूँ जो मैंने सीखी है। मैं आपको यह भी बताऊँगा कि मुझे क्यों लगता है कि यह पुस्तक उन सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। बिफोर यू स्टार्टअप किस बारे में है? व्हाट इज बिफोर यू स्टार्टअप अबाउट? बिफोर यू स्टार्टअप एक सफल व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। इसमें आइडियाज से लेकर धन उगाने से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ शामिल है, और यह अनुभवी उद्यमियों से व्यवहारिक सलाह और इनसाइट से भरी हुई है। इस पुस्तक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस पुस्तक का जो फर्स्ट पार्ट है वो विचार के बारे में है, मीन्स द आइडिया। इस भाग में पंकज गोयल एक बेहतरीन व्यावसायिक विचार खोजने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं कि विचारों के साथ कैसे आना है, अपने आइडिया को कैसे मान्य करना है और अपने लिए सही आइडिया कैसे चुनना है। पार्ट नंबर 2 योजना के बारे में है, द प्लान। इस भाग में गोयल व्यवसाय योजना के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। वह इस बारे में बात करते हैं कि व्यवसाय प्लान क्या है, व्यवसाय योजना कैसे बनाई जाए, और धन और भागीदार को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय योजना का उपयोग कैसे किया जाए। और लास्ट और थर्ड पार्ट है द एग्जीक्यूशन। इस भाग में गोयल एग्जीक्यूशन के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह इस बारे में बात करते हैं कि एक टीम कैसे बनाई जाए, कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च किया जाए और अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो पंकज गोयल व्यवसाय शुरू करने से पहले तैयारी के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के साथ आने वाली चुनौतियों और असफलताओं के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उनका यह भी कहना है कि उद्यमियों के पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक मजबूत क्यों या एक कारण होना चाहिए। तो पार्ट नंबर 1 द आइडिया, भाग 1 में गोयल एक बेहतरीन व्यावसायिक विचार योजना खोजने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह इस बारे में बात करते हैं कि विचार के साथ कैसे आना है, अपने विचार को कैसे मान्य करना है और अपने लिए सही विचार कैसे चुनना है। अब इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें इसे समराइज करने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो आइए इसके चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं, फाइंडिंग योर पैशन। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन में गोयल व्यवसाय शुरू करने से पहले अपने जुनून को खोजने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि यदि आप अपने व्यवसाय के प्रति जुनूनी नहीं है तो सफल होना बहुत कठिन होगा। वह यह भी कहते हैं कि अपना जुनून आपको व्यवसाय शुरू करने के साथ आने वाली चुनौतियों और असफलताओं से उबरने में मदद करेगा। जुनून क्या है, व्हाट इज पैशन? गोयल पैशन को किसी चीज के लिए उत्साह और उत्साह की प्रबल भावना के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका कहना है कि पैशन ही हमें महान काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह वही है जो हमें सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। उद्यमियों के लिए पैशन क्यों महत्वपूर्ण है? पंकज गोयल का कहना है कि जुनून पैशन उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सफल होने की प्रेरणा देता है। उनका कहना है कि जब आप किसी चीज़ के लिए जुनूनी होते हो तो आपके व्यवसाय को सफल बनने के लिए लंबे समय तक और कड़ी मेहनत करने की संभावना अधिक होती है। पैशन उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने या बढ़ते रहने देने की प्रेरणा देता है। उन्हें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। उन्हें रचनात्मक और अभिनव बनाने के लिए प्रेरित करता है। ग्राहकों और भागीदारों के साथ संबंध बनाने में उनकी मदद करता है। और अपने पैशन को कैसे खोजें, अपने जुनून को कैसे खोजें, हाउ टू फाइंड योर पैशन। पंकज गोयल कहते हैं कि अपने पैशन को तलाशने के कई तरीके हैं। उनका सुझाव है कि आप इस बारे में सोचें कि आप किस में अच्छे हैं, आपको क्या करने में मज़ा आता है और आप किस चीज़ के लिए जुनूनी हैं। वह यह भी सुझाव देते हैं कि
आप उन लोगों से बात करें जो उस क्षेत्र में पहले से ही सफल हैं, जिसमें आपकी रुचि है। वेल कहते हैं कि एक बार जब आप अपना जुनून या पैशन पा लेते हैं तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वह कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वह यह भी कहते हैं कि आपको लगातार बने रहने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने की जरूरत है। यदि आप किसी चीज़ के लिए जुनूनी हैं तो उसका पालन करने से ना डरें। यह आसान नहीं हो सकता, लेकिन यह इसके लायक होगा। चैप्टर नंबर 2, कमिंग अप विथ आइडियाज। अपनी पुस्तक बिफोर यू स्टार्टअप के चैप्टर नंबर 2 में पंकज गोयल व्यापार विचार के साथ आने के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि विचारों के साथ आने के कई अलग अलग तरीके हैं, और विचारों के साथ आने का सबसे अच्छा तरीका रचनात्मक होना और बॉक्स के बाहर सोचना है। यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जो गोयल व्यावसायिक विचारों के साथ आने के लिए सजेस्ट करते हैं। उन समस्याओं की तलाश करें जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। लुक फॉर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व। व्यावसायिक विचारों के साथ आने का एक तरीका उनका समस्याओं की तलाश करना है जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। जब आप कोई समस्या देखते हैं तो अपने आप से पूछें कि क्या इसे हल करने का कोई तरीका है जो लोगों के जीवन को आसान या बेहतर बना सके। रुझानों पर ध्यान दें, पे अटेंशन टू ट्रेंड्स। व्यावसायिक विचारों के साथ आने का एक और तरीका है रुझानों पर ध्यान देना। लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, वे क्या खरीद रहे हैं, वे अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं। रुझान आपको इस बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं कि लोग क्या खोज रहे हैं और वे उन उत्पादों या सेवाओं के लिए विचारों के साथ आने की आपकी सफलता कर सकते हैं जो उन आवश्यकताओं को पूरी करती है। दोस्तों और परिवार के साथ मंथन करें, ब्रेन स्टॉर्म्स विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। मित्रों और परिवार के साथ विचार मंथन व्यावसायिक विचारों के साथ आने का एक शानदार तरीका हो सकता है। जब आप दूसरों के साथ विचार मंथन करते हैं तो आपको अलग अलग दृष्टिकोण और विचार मिलते हैं जिनके बारे में आपने खुद नहीं सोचा होगा। व्यवसाय के बारे में किताबें और लेख पढ़ें। व्यवसाय के बारे में किताब और लेख पढ़ने से आपको विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों में काम करने के तरीके के बारे में जानने में मदद मिल सकती है। यह ज्ञान आपको अपने खुद के व्यवसाय के लिए विचारों के साथ आने में मदद कर सकता है। उद्योग की घटनाओं में भाग लें, अटेंशन इंडस्ट्री इवेंट्स। उद्योग की घटनाओं में भाग लेना उन लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका है जो पहले से ही व्यवसाय में है और अपने उद्योग में नवीनतम रुझानों के बारे में जानने के लिए। यह जानकारी आपको अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए विचार के साथ आने में मदद कर सकती है। असफल होने से डरो मत, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। असफलता उद्यमशीलता की यात्रा का एक हिस्सा है। जब आप व्यावसायिक विचारों के साथ आने की कोशिश कर रहे हो तो असफल होने से ना डरें, बस अपनी गलतियों से सीखते रहें और कोशिश करते रहें। गोयल यह भी कहते हैं कि जब आप व्यावसायिक विचारों के साथ आने की कोशिश कर रहे हो तो रचनात्मक होना और बॉक्स के बाहर सोचना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छे व्यावसायिक विचार अक्सर वही होते हैं जो सबसे अनोखे और नवीन होते हैं। इसलिए बड़ा सोचने और ऐसे विचारों के साथ आने से डरो मत जो पहले से किसी और ने नहीं सोचा हो। अब चैप्टर नंबर 3, वैलिडेटिंग योर आइडियाज। चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में गोयल व्यवसाय शुरू करने से पहले आपके विचार को मान्य करने के महत्व के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि यह देखने के लिए कि क्या उनके लिए कोई बाजार है, अपने विचारों का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। वह यह भी कहते हैं कि संभावित ग्राहकों और विशेषज्ञों से अपने विचारों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। आइडियाज वैलिडेशन क्या है, व्हाट इज आइडिया वैलिडेशन। गोयल विचार सत्यापन को अपने विचारों के परीक्षण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या उनके लिए बाजार है। उनका कहना है कि विचार सत्यापन आपको ऐसे व्यवसाय पर समय और पैसा बर्बाद करने से बचने में मदद कर सकता है जो कोई नहीं चाहता है। आइडियाज वैलिडेशन क्यों जरूरी है, वाई इज आइडियाज वैलिडेशन इम्पोर्टेंट। गोयल का कहना है कि विचार सत्यापन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको विफलता के जोखिम को कम करने में मदद करता है। उनका कहना है कि जब आप अपने विचारों को मान्य करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि आप एक ऐसे उत्पाद या सेवा से शुरुआत करते हैं या कर रहे हैं जिसे लोग वास्तव में चाहते हैं। अपने विचारों को कैसे मान्य करें, हाउ टू वैलिडेट योर आइडिया। वेल कहते हैं कि आपके विचार को मान्य करने के कई तरीके हैं। उनका सुझाव है कि आप संभावित ग्राहकों से बात करें, बाजार अनुसंधान करें और विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें।
संभावित ग्राहकों से बात करना, टॉकिंग टू पोटेंशियल कस्टमर्स, अपने विचारों को प्रमाणित करने का एक तरीका संभावित ग्राहकों से बात करना है। आप सर्वेक्षण आयोजित करके फोकस समूहों को पकड़कर या बस लोगों से पूछ सकते हैं कि वे आपके विचार के बारे में क्या सोचते हैं। बाजार अनुसंधान का आयोजन, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। अपने विचारों को मान्य करने का एक अन्य तरीका बाजार अनुसंधान करना, मार्केट रिसर्च। इसमें उद्योग के रुझान को देखना, अपनी प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना और अपने लक्षित बाजार का अध्ययन करना शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम एक्सपर्ट्स। आप विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सलाहकारों, उद्योग विशेषज्ञों या यहाँ तक कि अपने मित्रों और परिवार से बात करना शामिल हो सकता है। अब चैप्टर नंबर 4, चूजिंग द राइट बिजनेस मॉडल। चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन में गोयल आपके स्टार्टअप के लिए सही व्यवसाय मॉडल चुनने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि व्यवसाय मॉडल आपके व्यवसाय की नींव है और ऐसा मॉडल चुनना महत्वपूर्ण है जो टिकाऊ और स्केलेबल हो। बिजनेस मॉडल क्या है? व्हाट इज ए बिजनेस मॉडल? गोयल व्यवसाय मॉडल को एक योजना के रूप में परिभाषित करते हैं कि आप पैसे कैसे कमाएंगे। इसमें आपका उत्पाद या सेवा, आपका लक्षित बाजार, आपकी मूल्य निर्धारण रणनीति और आपकी मार्केटिंग और बिक्री योजना शामिल है। सही बिजनेस मॉडल चुनना क्यों जरूरी है? वाई इज चूजिंग द राइट बिजनेस मॉडल इम्पोर्टेंट? गोयल का कहना है कि सभी बिजनेस मॉडल चुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके स्टार्टअप की सफलता या विफलता को निर्धारित कर सकता है। उनका कहना है कि गलत बिजनेस मॉडल से वित्तीय समस्याएं, ग्राहक असंतोष और दिवालियापने भी हो सकते हैं। सही बिजनेस मॉडल कैसे चुने? हाउ टू चूज द राइट बिजनेस मॉडल? गोयल का कहना है कि कई अलग अलग व्यवसाय मॉडल हैं और सही चुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लक्षित बाजार, टारगेटेड मार्केट, अपने उत्पाद या सेवा, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज और अपने संसाधनों पर विचार करें। यहाँ पर कुछ सबसे सामान्य व्यवसाय मॉडल अवेलेबल है। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बिजनेस मॉडल। प्रत्यक्ष बिक्री, डायरेक्ट सेल्स। इस मॉडल में आपको अपने उत्पादों या सेवाओं को सीधे ग्राहक को बेचना शामिल है। खुदरा बिक्री, रिटेल सेल्स। इस मॉडल में खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से आपके उत्पाद या सेवाओं को बेचना शामिल है। थोक बिक्री, होलसेल सेल्स। इस मॉडल में आपके उत्पादों या सेवाओं को थोक विक्रेताओं को बेचना शामिल है जो फिर उन्हें खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं। नंबर 4, सदस्यता मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल। इस मॉडल में ग्राहकों से आपके उत्पाद या सेवा तक पहुँच के लिए आवर्ती शुल्क लेना शामिल है। फ्रीमियम मॉडल, प्रीमियम मॉडल। यह मॉडल आपकी उत्पाद या सेवा का मूल संस्करण मुफ्त में प्रदान करता है और प्रीमियम सुविधाओं के लिए ग्राहकों से शुल्क लेता है। विज्ञापन मॉडल, एडवर्टाइजमेंट मॉडल। यह मॉडल आपकी वेबसाइट या ऐप पर विज्ञापन स्थान बेचकर राजस्व उत्पन्न करता है। अब पार्ट नंबर 2, द प्लान। पार्ट 2 में गोयल व्यवसाय योजना के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह इस बारे में बात करते हैं कि व्यवसाय योजना क्या है, व्यवसाय योजना कैसे बनाई जाए और धन और भागीदारों को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय योजना का उपयोग कैसे किया जाए। तो इसमें पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 5, व्हाट इज ए बिजनेस प्लान। अपनी पुस्तक बिफोर यू स्टार्टअप के अध्याय 5 में पंकज गोयल बात करते हैं कि एक व्यवसाय योजना क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि व्यवसाय योजना एक लिखित दस्तावेज है जो आपके व्यवसाय, आपके लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी रणनीति का वर्णन करता है। व्यवसाय की योजना क्या है, व्हाट इज ए बिजनेस प्लान। व्यवसाय योजना को एक लिखित दस्तावेज के रूप में परिभाषित करते हैं जो आपके व्यवसाय, आपके लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको रणनीतियों का वर्णन करता है। यह आपके व्यवसाय के लिए एक रोड मैप है और यह आपकी मदद कर सकता है। धन प्राप्त करें, गेट फंडिंग। एक व्यवसाय योजना आपको निवेशकों को विश्वास दिलाने में मदद कर सकती है कि आपका व्यवसाय एक अच्छा निवेश है। ग्राहकों को आकर्षित करें, अट्रैक्ट कस्टमर। एक व्यवसायिक योजना संभावित ग्राहकों को अपने मूल्य प्रस्ताव को संप्रेषित करने में आपकी मदद कर सकती है। कर्मचारियों को काम पर रखें, हायर एम्प्लॉयज। एक व्यवसायिक योजना आपको शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद कर सकती है। और नंबर 4, अपना व्यवसाय प्रबंधित करें, मैनेज योर बिजनेस। एक व्यवसाय योजना आपकी प्रगति को ट्रैक करने और आवश्यक समायोजन करने में आपकी सफलता या सहायता कर सकती है। व्यवसाय योजना क्यों महत्वपूर्ण है, वाई इज ए बिजनेस प्लान इम्पोर्टेंट। गोयल का कहना है कि एक व्यवसाय योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी मदद कर सकती है। अपने व्यवसाय के बारे में सोचें,
थिंक थ्रू योर बिजनेस। व्यवसाय योजना लिखने की प्रक्रिया आपको अपने व्यवसाय मॉडल, अपनी लक्षित बाजार और अपनी मार्केटिंग और बिक्री रणनीति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। अपने जोखिम को पहचाने, आइडेंटिफाई योर रिस्क। एक व्यवसायिक योजना आपको अपने व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की पहचान करने और उन जोखिमों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकती है। अपनी दृष्टि का संचार करें, कम्युनिकेट योर विजन। एक व्यवसाय योजना आपको निवेशकों, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए अपने व्यवसाय के लिए अपने दृष्टिकोण को संप्रेषित करने में मदद कर सकती है। बिजनेस प्लान कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए बिजनेस प्लान। गोयल का कहना है कि व्यवसाय योजना लिखने का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य तत्व हैं जिनमें अधिकांश व्यवसायिक योजनाएं शामिल हैं। इन तत्वों में शामिल है कार्यकारी सारांश, एग्जीक्यूटिव समरी, यह आपकी व्यवसायिक योजना का संक्षिप्त विवरण है। कंपनी विवरण, कंपनी डिस्क्रिप्शन, यह खंड आपके उत्पादों या सेवाओं, आपके लक्षित बाजार और आपके प्रतिस्पर्धी लाभ सहित आपके व्यवसाय का विस्तृत वर्णन प्रदान कर सकता है। बाजार विश्लेषण, मार्केट रिसर्च, यह खंड आपके लक्षित बाजार और आपकी प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करता है। विपणन योजना, मार्केटिंग प्लान, यह खंड आपके टारगेटेड मार्केट पर पहुंचने और अपने उत्पाद या सेवाओं को बेचने के लिए आपकी रणनीतियों का वर्णन करता है। संचालन योजना, ऑपरेशन प्लान, यह खंड बताता है कि आप अपने उत्पाद या सेवाओं का उत्पादन और वितरण कैसे करेंगे। प्रबंधन टीम, मैनेजमेंट टीम, यह पार्ट आपकी मैनेजमेंट टीम और उनके अनुभव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट है वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग, यह पार्ट आपके बिजनेस के लिए फाइनेंशियल एजम्पशंस प्रदान करता है। चैप्टर नंबर 6, हाउ टू क्रिएट ए बिजनेस प्लान, अपनी पुस्तक बिफोर यू स्टार्टअप के चैप्टर नंबर 6 में पंकज गोयल एक व्यवसाय योजना बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि एक व्यवसाय योजना एक लिखित दस्तावेज है जो आपके व्यवसाय, आपके लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी रणनीतियों का वर्णन करता है। यहाँ कुछ सजेशंस दिए गए हैं जो गोयल व्यवसाय योजना बनाने के लिए प्रदान करते हैं। स्पष्ट दृष्टि से प्रारंभ करें, स्टार्ट विथ ए क्लियर विजन। आप अपने व्यवसाय को क्या हासिल करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अपने या आपके लक्ष्य क्या हैं, क्या तुम खोज करते हो, डू यू रिसर्च, अपने टारगेटेड मार्केट, अपने कॉम्पिटिटर्स और जिस उद्योग में आप प्रवेश कर रहे हैं उसे समझें। विशिष्ट में बी स्पेसिफिक, जब आप अपने उत्पाद या सेवाओं, अपने लक्षित बाजार और अपनी मार्केटिंग रणनीति का वर्णन कर रहे हो तो यथासंभव विशिष्ट रहें। यथार्थवादी बने, बी रियलिस्टिक, ऐसे वादे ना करें जिन्हें आप नहीं कर सकते। प्रतिक्रिया हासिल करें, गेट फीडबैक, मित्रों, परिवार और आकाओं से अपनी व्यावसायिक योजना की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया देने के लिए कहें। यहाँ इन टिप्स में से प्रत्येक का अधिक विस्तृत वर्णन दिया गया है। स्पष्ट दृष्टि, क्लियर विजन से प्रारंभ करें। आप अपने व्यवसाय को क्या हासिल कराना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अपने लक्ष्य क्या हैं, आइए हम इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आपकी दृष्टि आपकी व्यवसायिक योजना की नींव है। योर विजन इज द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस प्लान, यही आपको और आपकी टीम को आगे ले जाएगा। जब आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे होते हैं तो दिन प्रतिदिन के कार्यों में फंसना आसान हो जाता है, लेकिन सबसे पहले यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके व्यवसाय के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है। डू यू रिसर्च, क्या आप खोज करते हो, अपने लक्षित बाजार, अपनी प्रतिस्पर्धा और जिस उद्योग में आप प्रवेश कर रहे हैं उसे समझें। इससे पहले कि आप एक सफल व्यवसाय योजना बना सकें, आपको अपने लक्षित बाजार को समझने की ज़रूरत है। आपके ग्राहक कौन हैं, उनकी ज़रूरतें और इच्छाएँ क्या हैं, उनके दर्द बिंदु क्या हैं। आपको अपनी प्रतिस्पर्धा को भी समझने की ज़रूरत है। आपके उद्योग में अन्य व्यवसाय कौन हैं, वे क्या अच्छा कर रहे हैं, वे क्या खराब कर रहे हैं। आपको उस उद्योग को समझने की ज़रूरत है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, रुझान क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं इत्यादि। फिर बी स्पेसिफिक, विशिष्ट रहें। जब आप अपने उत्पादों या सेवाओं, अपने टारगेटेड मार्केट और अपनी मार्केटिंग रणनीति का वर्णन कर रहे हो तो यथासंभव विशिष्ट रहें। केवल यह न कहें कि आप कोई उत्पाद या
सेवा बेचने जा रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है, टारगेटेड मार्केट कौन है, आप उन तक कैसे पहुंचोगे। आप जितने अधिक स्पेसिफाइड रहोगे उतना बेहतर होगा। इससे आपको इन्वेस्टर, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। यथार्थवादी बने, बी रियलिस्टिक, ऐसे बातें ना करें जिन्हें आप नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय योजना बनाते समय यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। अधिक वादा और कम वितरण ना करें। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, तो इसे अपनी व्यवसायिक योजना में शामिल ना करें। गेट फीडबैक, प्रतिक्रिया हासिल करें। मित्रों, परिवार और आकाओं से अपनी व्यावसायिक योजना की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया देने के लिए कहें। आपकी व्यावसायिक योजना एक जीवित दस्तावेज है, यह पत्थर की लकीर नहीं है। जैसा कि आप अपने व्यवसाय और अपने उद्योग के बारे में अधिक सीखते हैं, आपको अपने व्यवसाय योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए दूसरों से फीडबैक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। मित्रों, परिवार और जो इस एरिया में जानते हैं, उनसे आपकी व्यावसायिक योजना की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया देने को कहें। उनकी प्रतिक्रिया आपकी व्यावसायिक योजना को बेहतर बनाने और आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। अब चैप्टर नंबर 7, यूजिंग ए बिजनेस प्लान टू अट्रैक्ट फंडिंग एंड पार्टनर्स। अपने पुस्तक बिफोर यू स्टार्टअप के चैप्टर नंबर 7 में गोयल फंडिंग और भागीदारी को आकर्षित करने के लिए एक बिजनेस प्लान का उपयोग करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि एक व्यवसाय योजना एक लिखित दस्तावेज है जो आपके बिजनेस, आपके टारगेट और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी का वर्णन करता है। यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं जो गोयल वित्त पोषण और भागीदारों को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय योजना का उपयोग करने के लिए प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी व्यवसाय योजना अच्छी तरह से लिखी गई है और समझने में आसान है। अपने अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव USP को हाईलाइट करें। हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपका व्यवसाय प्रतिस्पर्धा से अलग क्या बनाता है। अपने लक्ष्यों को परिमाणित करें। क्वांटिफाई योर गोल्स। अगले वर्ष के लिए आपके राजस्व लक्ष्य क्या हैं, आप कितने ग्राहक प्राप्त करना चाहते हैं। वित्तीय अनुमान प्रदान करें, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। निवेशकों को दिखाएं कि आप पैसा बनाने की योजना कैसे बनाते हैं। सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस। निवेशकों के पास आपके व्यवसाय के बारे में प्रश्न होंगे, उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से उत्तर देने के लिए तैयार रहें। यहाँ इन टिप्स में से प्रत्येक का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, आइए जानते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी व्यवसाय योजना अच्छी तरह से लिखी गई हो और समझने में आसान हो। आपकी व्यवसाय योजना एक दस्तावेज है जिसे आप निवेशकों और संभावित भागीदारों के साथ साझा करेंगे। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें। शब्द जाल या तकनीकी शब्दों का उपयोग करने से बचें जो आपके दर्शकों को समझ में ना आए। अपने अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव को हाईलाइट करें। अपने USP को हाईलाइट करें। आपका व्यवसाय प्रतिस्पर्धा से अलग क्या बनाता है। आप क्या मूल्य प्रदान करते हैं जो कोई और नहीं करता। आपकी USP आपके बिजनेस प्लान का मूल होना चाहिए। यह ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो निवेशकों और संभावित साझेदारों को आपके व्यवसाय के बारे में सबसे ज़्यादा याद रहे। अपने लक्ष्यों को परिमाणित करें, क्वांटिफाई योर गोल्स। अगले वर्ष के लिए आपके राजस्व लक्ष्य क्या हैं, आप कितने ग्राहक प्राप्त करना चाहते हैं। आपके व्यवसाय के लिए विशिष्ट और मापने योग्य लक्ष्य होना महत्वपूर्ण है। इससे निवेशकों और संभावित भागीदारों को समझने में मदद मिलेगी कि आपका व्यवसाय कैसे बढ़ेगा और सफल होगा। प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। निवेशकों को दिखाएं कि आप पैसा बनाने की योजना कैसे बनाते हैं। सो इन्वेस्टर्स हाउ टू प्लान टू मेक मनी। निवेशक जानना चाहता है कि उनका निवेश कैसे वापस किया जाएगा। उन्हें वित्तीय अनुमान प्रदान करें जो दर्शाता है कि आपका व्यवसाय राजस्व और मुनाफा कैसे उत्पन्न करेगा। सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। निवेशकों के पास आपके व्यवसाय के बारे में प्रश्न होंगे, उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से उत्तर देने के लिए प्रिपेयर रहें। आप प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जितने अधिक तैयार होंगे, निवेशकों को उतना ही अधिक विश्वास होगा। तो इन टिप्स का पालन करके आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग और पार्टनर्स को आकर्षित करने के लिए आपकी व्यावसायिक योजना का उपयोग कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 3, द एग्जीक्यूशन। यह पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाग 3 में गोयल एग्जीक्यूशन के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह इस बारे में बात करते हैं कि एक टीम कैसे बनाई जाए, कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च किया जाए और अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। चैप्टर नंबर 8, बिल्डिंग ए टीम। अपनी बुक बिफोर यू स्टार्टअप के 8वें अध्याय में पंकज गोयल अपने स्टार्टअप के लिए
टीम बनाने के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए एक टीम जरूरी है और सही टीम आपके व्यवसाय की सफलता या विफलता में अंतर ला सकती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो गोयल स्टार्टअप आपके स्टार्टअप के लिए एक टीम बनाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। स्पष्ट दृष्टि से प्रारंभ करें, स्टार्ट विथ क्लियर विजन। अपनी टीम को क्या हासिल करना चाहते हैं, टीम के लिए आपके लक्ष्य क्या है। अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करें, डिफाइन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टीम का प्रत्येक सदस्य किसके लिए जिम्मेदार होगा। व्यवहार के लिए किराया, कौशल के लिए प्रशिक्षण, हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके व्यवसाय के प्रति जुनूनी हो और जिनके पास सही रवैया हो। आप उन्हें उनके कौशलों और प्रशिक्षण पर कर सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। सहयोग और संचार की संस्कृति बनाएं, क्रिएट ए कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अपनी टीम प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने और खुले तौर पर संवाद करने में सक्षम होनी चाहिए। सफलताओं का जश्न मनाएं और असफलताओं से सीखें। सेलिब्रेट सक्सेस एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। जब अपनी टीम को कोई सफलता मिलती है तो उनका जश्न मनाना सुनिश्चित करें। जब आपकी टीम विफल हो जाए तो अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। यहाँ इन टिप्स में से प्रत्येक का हम डिस्क्रिप्शन में विवरण नीचे दे रहे हैं। स्पष्ट दृष्टि से प्रारंभ करें, आप अपनी टीम को क्या हासिल करना चाहते हैं, टीम के लिए आपके लक्ष्य क्या है। आपकी दृष्टि आपकी टीम के लिए, योर विजन इज द फाउंडेशन ऑफ योर टीम। यही आपको और आपकी टीम को आगे ले जाएगा। जब आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे होते हैं तो दिन प्रतिदिन के कार्यों में फंसना आसान हो जाता है, लेकिन सबसे पहले यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी टीम के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है। अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करें, डिफाइन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टीम का प्रत्येक सदस्य किसके लिए जिम्मेदार होगा। अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर कोई जानता है कि उन्हें क्या करना है और जिम्मेदारियों में कोई ओवरलैप या अंतराल नहीं है। व्यवहार के लिए किराया, कौशल के लिए प्रशिक्षण, हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके व्यवसाय के प्रति जुनूनी है और जिनके पास सही रवैया हो। आप उन्हें उनके कौशल और प्रशिक्षित कर सकते हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता है। अपनी टीम के लिए भर्ती करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रवैया के लिए भर्ती करना है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके व्यवसाय के प्रति जुनूनी हो और जिनके पास सही रवैया हो। आप उन्हें उनके कौशलों पर प्रशिक्षित कर सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। किसी भी सफल टीम के लिए सहयोग और संचार की संस्कृति आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपकी टीम के सदस्य एक साथ प्रभावी ढंग से काम करने और खुले तौर पर संवाद करने में सक्षम है। सफलताओं का जश्न मनाना और असफलताओं से सीखना महत्वपूर्ण है। जब आपकी टीम को कोई सफलता मिलती है तो उसका जश्न मनाना सुनिश्चित करें। यह आपकी टीम को प्रेरित और व्यस्त रखने में मदद करेगा। जब आपकी टीम विफल हो जाए तो अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। अतीत पर ध्यान केंद्रित ना करें। तो इस तरह से इन टिप्स को अपनाकर आप एक टीम बना सकते हैं जो आपके स्टार्टअप लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकती है। अब चैप्टर 9, लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिफोर यू स्टार्टअप के चैप्टर नंबर 9 में पंकज ओवल अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि किसी उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने या व्यवसाय शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं जो गोयल आपके उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने के लिए प्रदान करते हैं। अपने लक्षित बाजार को परिभाषित करें, डिफाइन योर टारगेट मार्केट। आप किसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जरूरतों और इच्छाएँ क्या हैं। लॉन्च योजना बनाएं, क्रिएट ए लॉन्च प्लान। लॉन्च के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं। आप अपने उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए क्या गतिविधि करेंगे। एक बजट निर्धारित करें, सेट ए बजट। लॉन्च पर आप कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। प्रतिक्रिया हासिल करें, गेट फीडबैक। अपने उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने से पहले दोस्तों, परिवार और संभावित ग्राहकों से प्रतिक्रिया के लिए पूछें। पिवट करने के लिए तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड टू पिवट। चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती, इसलिए यदि आवश्यक हो तो अपनी लॉन्च योजना में परिवर्तन करने के लिए रेडी रहें। इन सभी टिप्स में से प्रत्येक का अधिक विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है, तो आइए जानते हैं इन्हें थोड़ा सा विस्तार से। अपने उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने से पहले अपने लक्षित बाजार को परिभाषित करना इम्पोर्टेंट है।
यह आपको एक मार्केटिंग योजना बनाने में मदद करेगा जो विशिष्ट दर्शकों को लक्षित है। लॉन्च योजना बनाएं। लॉन्च के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं? आप अपने उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए क्या गतिविधि करेंगे? आपकी लॉन्च योजना में लॉन्च के लिए आपके लक्ष्यों के साथ वे गतिविधियाँ भी शामिल होनी चाहिए जो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। एक बजट निर्धारित करें। लॉन्च पर आप कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं? अपने लॉन्च के लिए बजट निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपने खर्चे को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप अधिक खर्च नहीं करते हैं। फिर फीडबैक लें, प्रतिक्रिया हासिल करें। अपने उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने से पहले दोस्तों, परिवार या संभावित ग्राहकों से प्रतिक्रिया से पूछें। दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने से आपको अपने उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने से पहले किसी भी संभावित समस्या की पहचान करने में मदद मिल सकती है। पिवट करने के लिए तैयार रहें। चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती, इसलिए यदि आवश्यक हो तो अपनी लॉन्च योजना परिवर्तन के लिए भी रेडी रहें। किसी उत्पाद या सेवा को लॉन्च करते समय लचीला और अनुकूलनीय होना महत्वपूर्ण है। चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती, इसलिए यदि हमें आवश्यक हो तो अपनी लॉन्च योजना में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन टिप्स का पालन करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फंड के साथ अकाउंट खोलने का मौका मिलेगा और अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।